नमस्कार दोस्तों, कैसे क्रिएट डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के बारे में, और एक्सेल में जानेंगे कि दोस्तों कैसे हैं हम लोग वाटरमार्क ऐड जो है वो दोस्तों कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल दोस्तों, एक्सेल के अंदर जो है वो हमारी चीज़ें क्रिएट करते हैं हम लोग, और उसको जो है वो दोस्तों कॉपीराइटेड के अंदर डालने के लिए या फिर दोस्तों उसको कॉपी होने से बचाने के लिए हम लोग ऐड करते हैं वहाँ पर वाटरमार्क। तो आज दोस्तों हम लोग इस बारे में ही बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि दोस्तों वाटरमार्क कैसे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि एक्सेल के अंदर सीधे सीधे कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं दिए है कि आप वाटरमार्क जो है वो ऐड कर सकें। तो ऐसे में दोस्तों आपको कुछ ट्रिक्स का सहारा जो है वो दोस्तों लेना होता है, और उनके ज़रिए जो है वो दोस्तों आप अपना वाटरमार्क जो है वो दोस्तों ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप ऐसी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मिलेगा आपको एक सब्सक्राइब बटन, आप उसको जो है वो दबा लीजिए, और उसके साथ जो है वो दोस्तों आप जानकारी पाने के लिए जो है वो तत्पर हो जाएंगे। साथ ही साथ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के साथ ही मिलेगा आपको एक लाल कलर सॉरी ब्लू कलर में लाइक बटन, आप उसको भी दबा दीजिए, और साथ ही साथ शेयर भी अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए जो एक्सेल के बारे में जानकारी जो है वो जानना चाहते हैं और उन पर काम जो है दोस्तों करते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि एमएस एक्सेल में वाटरमार्क जो दोस्तों कैसे ऐड कर सकते हैं। सब्सक्राइब उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो सबसे पहले विजिट करते हैं हम लोग स्टार्ट बटन पे, और वहाँ पर सर्च करते हैं EXCEL। जैसे दोस्तों एक्सेल ओपन हो जाए हम जो उसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक्सेल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो एक्सेल के अंदर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हमारे सामने स्प्रेडशीट होती है, और एमएस वर्ड में जिस तरह से लेआउट में जाने के बाद हमें यहाँ पर वाटरमार्क जो है वो दोस्तों मिलता है, यहाँ पर जो है वो दोस्तों कोई भी वाटरमार्क का ऑप्शन जो है वो दोस्तों नहीं होता है। इंसर्ट में जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर भी हमें जो है वो कोई भी वाटरमार्क इंसर्ट करने का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी हम विजिट करते हैं लेआउट पर। अगर दोस्तों हमें यहाँ वाटरमार्क ऐड करना है तो हम दोस्तों सहारा लेंगे फोटो सॉरी बैकग्राउंड का। तो दोस्तों हम चूज़ कर लेते हैं बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद हमारी डिवाइस जो है वो दोस्तों और ड्राइव ओपन हो जाएगी सिस्टम की। सिस्टम की ड्राइव में दोस्तों हमें कोई फ़ोटो जो है वो चूज़ करनी होगी। तो फ़ोटो चूज़ करने के अंदर दोस्तों हम बता दें, आप फोटोशॉप के जरिए, पेंट के जरिए, किसी भी जरिए जो वो दोस्तों अपना जो भी कॉपीराइट मार्क ऐड करना चाहते हैं, जो भी दोस्तों आप कॉन्फिडेंशियल चीज़ को जो वो सिक्योर करने के लिए ऐड करना चाहते हैं अपना वाटर मार्क, उसको जो है वो आप चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं सर यहाँ से कोई इमेज डाल देता हूँ। कैसे करेंगे ये इमेज डाल देते हैं दोस्तों, क्लिक चूज़ कर लीजिए इमेज को और इंसर्ट पे जो दोस्तों क्लिक कर दीजिए। दोबारा से बता दें, आपको जाना है लेआउट में और वहाँ पर चूज़ करना है इंसर्ट बैकग्राउंड पे। यहाँ पर दोस्तों अभी जो है वो बैकग्राउंड ऐड कर दिए, तो डिलीट का ऑप्शन आ गया, लेकिन दोस्तों हमारा जो ये बैकग्राउंड है दोस्तों वो ऐड जो है वो दोस्तों हो चुका है। तो इस तरह से ऐड होने के बाद दोस्तों आप स्केल भी यहाँ से कम ज़्यादा जो है वो दोस्तों कर सकते हैं अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग, कि आपकी इसकी जो इमेज का स्केल जो है वो दोस्तों कितना हो, या फिर आपके फाइल का या सीट का जो स्केल कितना हो। तो इस तरह से, या फिर इंसर्ट पे जाने के बाद आप फ़ोटो को जो है वो एडिट भी जो है वो दोस्तों कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है वो फ़ोटो को एडिट करने के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप वहाँ से जो है वो दोस्तों इनको एडिट भी जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने जो वो बैकग्राउंड में हमने जो वो ऐड कर लिया है हमारा इस फोटो को, और ये जो है वो दोस्तों हमारा कॉपीराइट का वर्क जो है वो दोस्तों करने वाला है, यानी हमने जो वो इसको एज ए वाटरमार्क जो है वो दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपने ऐसा कर लिया तो बहुत आसान रहा होगा आपके लिए। अभी दोस्तों आप जो है वो इसको क्लिक कर दीजिए डिलीट बैकग्राउंड को, तो बैकग्राउंड डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर एक आपको एक अलग ऑप्शन भी मिलता है टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बॉक्स का, आप इसको चूज़ कर लीजिए, और यहाँ पर जितना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं आप वो जो है वो बना लीजिए, और यहाँ पर जो है वो टाइप कर लीजिए। तो आप यहाँ पर कॉपीराइट के लिए जो भी चीज़ लगाना चाहते हैं दोस्तों वो लगा लीजिए, यहाँ से साइज़ को बड़ा कर लीजिए। तो इस तरह से दोस्तों करने के बाद आप इसको जो है वो टेढ़ा करना चाहते हैं तो टेढ़ा भी जो इसको अच्छे से सेटअप जो है वो दोस्तों कर सकते हैं। बस आपको इतना सा करना है, उसके बाद जो है वो दोस्तों आपकी ये जो है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट जो है वो दोस्तों सेट हो जाएगी यहाँ से। और उसके बाद आपका जो ये कॉपीराइट का वाटर मार्क जो है वो दोस्तों ऐड रहेगा। आप जब भी इसको जाएंगे माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, जब भी आप इसको जो है वो यूज़ करना चाहेंगे आसानी से जो है इसको यूज़ कर पाएंगे। आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में काफ़ी कुछ चीज़ें भी जो वो चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से जो दोस्तों आप यूज़ जो है वो इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आपका ये कॉपीराइट जो है वो दोस्तों बिल्कुल इसके अंदर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आप जो है वो ऐड कर सकते हैं वाटर मार्क को दो तरह के तरीके से दोस्तों, इमेज को इंसर्ट करके जो बैकग्राउंड के रूप में जानी जाती है, और साथ ही साथ जो दोस्तों
आप टेक्स्ट बुक से जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दिया है वीडियो के नीचे, उसको दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह की फ्री जानकारियां जो है वो आप तक पहुंचती रहे। लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा जो दोस्तों कंप्यूटर के यूज़र हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं। साथ के साथ दोस्तों अपना कमेंट बॉक्स में कुछ ज़रूर लिखिएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए कैसे करें।